सन्मान अ सेल्फ हेल्प महिला संस्थेचा तिसरा वर्धापन दिन मंगळवारी मोठ्या उत्साहात साजरा झाला. या वर्धापन दिनानिमित्त खारघर येथील उत्कर्ष हॉलमध्ये झालेल्या कार्यक्रमात विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या सोहळ्याला पनवेल महापालिकेचे स्थायी समिती सभापती नरेश ठाकूर यांनी भेट देत शुभेच्छा दिल्या आहेत. यावेळी महिला बालकल्याण सभापती हर्षदा उपाध्याय, भाजपचे खारघर शहर अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल, शहर चिटणीस दीपक शिंदे, युवा नेते अमर उपाध्याय, संस्थेच्या रेणू अग्रवाल, बबिता गुप्ता, उषा जैन, शर्मिला बॅनर्जी, निहारिका घोष, प्राची देशपांडे, अर्चना मिश्रा यांच्यासह पदाधिकारी आणि मान्यवर उपस्थित होते. आपको देखा कितना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है और मैंने बहुत सारी एक्टिविटी देखी जो महिलाओं ने आपने प्लेटफॉर्म दिया है. जो मैंने स्किल देखा एक कितनी उम्र की महिला उम्र का उल्लेख नहीं करूंगा, आप लोग बच्चा बन के भी इतना सुंदर एक्टिंग कर सकती है ऐसा आज हमको देखने को मिला. बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों में कला है सभी में. हमको लगता है कि हम लोग खूब नसीब वाले खारघर में ऐसे लोग हमारे खारघर में रहते हैं जिसमें अलग अलग टैलेंट है. वो टैलेंट को आगे लाने का काम सम्मान संस्था करती है. आपको जो भी जरूरत लगे जितना हो सके हम लोग आपके आने वाले कार्यक्रम में जरूर मदद करेंगे. जितना हो सके उतना करेंगे. हमारे में क्षमता है इस प्रकार से. रेणु मैम ने बहुत अच्छे से आप सब महिलाओं के साथ ये सम्मान की एनजीओ की जो स्थापित किया है उसके माध्यम से जैसे उन्होंने कहा कि लोअर जो क्लास की औरतें होती है वो कुछ हाउस होल्ड काम कर सकती है पर जो मिडिल क्लास की औरतें होती है उनका एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है वो ऐसे ही कहीं पर जाके नहीं कर सकती. तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म देना जैसे उन्होंने उनको बुकिंग का एक प्लेटफॉर्म दिया उसी तरीके से पनवेल कॉर्पोरेशन के वुमेन्स एंड चाइल्ड वेलफेयर कमिटी के माध्यम से भी ऐसी कुछ चीजें हैं जैसी कुछ स्कीम्स हैं जो महिलाओं के लिए शुरुआत की गई है जिसमें आप बेकरी प्रोडक्ट्स में भी क्लासेस ले सकते हैं टेलरिंग के ले सकते हैं. मतलब मैम आपके पास ऐसे कोई लेडीज हो जिनको आप सोचते हैं कि इनको हमें प्लेटफॉर्म देना है तो कॉर्पोरेशन की मदद से भी आप ये कर सकते हैं एंड वी विल लुक फॉरवर्ड फॉर दैट.